उसकी जानकारी देते हुए कि हमारे आए तो उन्होंने वहाँ पर बोला था अतिक्रमण तो हट गया है, लेकिन अब उसको क्या पेरेंट्स है ना उसको बता नहीं पा रहे हैं अपनी लड़की की बदनामी। तो स्कूल की बेटी थी वो, स्कूल की थी लेकिन हाँ। वो ओपन नहीं कर रहे हैं, ओपन नाम ओपन नहीं कर रहे हैं। और अभी जो अतिक्रमण था वो हटा या नहीं? हट गया है हाँ। अब इतनी परेशानी, जो पुल के नीचे जो समस्या अभी सामने आई है हाँ। ये भी बिल्कुल सच है, पेरेंट्स अपनी बच्ची के जो देख रहे हैं कि हमें ऐसा नहीं की बदनामी हो इस डर से सामने नहीं आ रहे हैं, परंतु हमारे जितने बच्चे यहाँ से निकलती है हमेशा बच्चा परेशानी है, बच्चा तो निकलती है इतने लोग बैठे रहते हैं यहाँ बीच में खड़े हो जाते हैं हटते नहीं है, लड़के बीच में खड़े हो जाते हैं। परंतु जो भी कार्रवाई हुई उसके बाद कुछ लोगों ने बोलता है कम हुआ, उसके बाद किसी ने हमारी महिला जा पा रही है। हाँ अभी सब कुछ ठीक है, हटो तो हटते नहीं लड़के, कुछ समय के लिए ठीक लग रहा है पर ये कंटिन्यू नियमित बना रहे इस चीज के लिए प्रशासन थोड़ा ध्यान दे तो अच्छा होगा। ठीक ठीक है, सहायता से आपकी चीजें हुई हैं सारी, ये हमारे बजट पूरा भरपूर सहयोग मिला है और ये सहयोग लगातार बना रहना चाहिए क्योंकि हमारी बहू बेटियां जो निकलती है वो हमेशा सहज रूप से निकले, इनके लिए भी कर रही है तो अपना ही है ना, कोई निजी लड़ाई नहीं है, लेकिन हाँ। बच्चियों के लिए लड़ाई है खाली, वो तो कोई उनकी नहीं अपनी सबकी है, बच्चियां किसी की भी हो सुरक्षित रहना चाहिए, इसी वे में जाए अपना कार्य कर रहे स्कूल से आए, हमें चिंता नहीं है कि बच्ची आई की नहीं आई, कहाँ खड़ी होगी कहाँ निकल रही होगी, ऐसा नहीं कि उसे आने जाने में किसी भी तरह से ऐसा लगे कि हम ना जाएं, तो जैसे अगर सामाजिक तौर पर बैठे रहे तो बच्चे हमारे किसी काम के लिए पहुंचा कर बाहर निकलने को तैयार नहीं, ये लगता है कि हम बाहर ही नहीं तक लेने जाए कोई तक छोड़ने जाए, वो समस्या से हमें अभी फिलहाल तो मुक्ति मिली। ठीक है, थैंक यू। यहाँ क्या समस्या आ रही है आपको आप बता सकते हैं एक बार? पानी भरा है, गंदगी है, कीड़े मकोड़े घर में आते हैं, बीमार हो रहे हैं, हमारा पानी घर में आता है, करके देखो सर हमारे घर में पानी घुसता है, हमारे घरों में पानी भर जाता है, हमारी कमर कमर तक, कचरा गाड़ी चार रोडों में, कचरा गाड़ी चार चार दिन में आती है, चार चार दिन में आती है टाइम पे, मतलब वो भी नहीं आ रही है और पानी डेली भरा रहा है, जब भी घुटने तक भर जाता है, चार गली में कंटिन्यू पानी जाता है, तो सब घरों में घुस जाता है, कई सामान का नुकसान होता है, ये देखो अटल, ये देखो ये दीवारें बन रही है, हाँ वो बॉर्डर बना रखी है आपने, बाउंड्री बना रखी पानी सबने बना रखी है, ये सब बनी हुई है, उसके बाद जब कीचड़ यहाँ रहता है उधर भी देखो वो बनी तो आठ दिन तक भी कीचड़ पड़ा है, गंदगी पड़ी है तो सफाई नहीं होती है, और उसके बाद आए दिन कहीं ना कहीं डेंगू और मलेरिया हमारी चार गलियों में सुनने को मिलेगा ही मिलेगा आपको, हाँ मतलब तो उससे पीड़ित है, स्वास्थ्य भी पीड़ित है, और घरों में सीत इतनी जा रही है, पानी भरा रहता है तो घरों के करीब आधी आधी कमर कमर तक की हमारी दीवारें पूरी सीत में। ठीक है आंटी, को भी डेंगू हो गया था।